सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिच ब्लैक टोन हमने अपनी फोटो में ऐड करके दिखाया, मतलब एक छोटा सा आपने इंट्रो देखा, तो वैसे आप अपनी फोटो में कैसे रिच ब्लैक टोन ऐड कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में एक लाइटरूम प्रीसेट का यूज करके। अगर आपको जानना है, सीखना है, तो पूरा इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो बहुत ही छोटी सी होने वाली है एंड ऐसा एडिट करना बहुत ही आसान है। कैसे आपको अपनी फोटो को सिर्फ एक क्लिक में एडिट करना है इस लाइटरूम प्रीसेट से एंड कैसे आपको लाइटरूम प्रीसेट डाउनलोड करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। मेरे यहाँ ये रहा लाइटरूम ऐप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो लाइटरूम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। हम स्क्रीन को रोटेट करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम लाइटरूम ऐप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ ऑल फोटोज़ पे जाएंगे, देन यहाँ से ऐड फोटो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम ये रिच ब्लैक टोन वाला ये पिक्चर जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही हमने यहाँ पे दो पिक्चर और ऐड कर लिया। आप लोग देख पा रहे हो कि ये सारे फोटोज यहाँ पे जो है अब ऐड हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको ये प्रीसेट जो है ओपन करना है, ठीक है। प्रीसेट को ओपन हम कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक रॉ फाइल में रहेगा, एक DNG प्रीसेट है। तो इस प्रीसेट को ओपन कर लेने के बाद गाइस इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके के आपको जो है खुलकर आ जाएगा ऑप्शंस। तो आपको यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है, ठीक है। ये रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन। जैसे आप कॉपी सेटिंग पे क्लिक करोगे ये अनटिक रहेगा, टूल्स एंड जियोमेट्री अनटिक रहेगा, तो आपको अनटिक ही रहने देना है और बाकी सब यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा तो आपको सिलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से गाइस आपको डन करना है, ठीक है। तो आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आप ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इस फोटो को रिच ब्लैक टोन में एडिट करना हो तो इस फोटो को हमने यहाँ पे ले लिया, 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ से हमने कॉपी सेटिंग किया था ठीक उसके नीचे एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो जैसे आप पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक क्लिक करने के अंदर ये देख पा रहे होगा इस बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब रिच ब्लैक टोन सच में आपकी फोटो के अंदर आ जाएगा सिर्फ एक क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी फोटो का यूज़ करते हैं, इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट सेटिंग करेंगे आप देख पा रहे हो बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब बहुत ही गर्दा आपकी फोटो यहाँ पे एडिट हो जाने वाली है गाइज। बहुत आसान है। इस लाइटरूम प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है ये हम आपको बताते हैं एंड कुछ इस टाइप की अपनी फोटो को आप एडिट कर पाओगे इसका यूज़ करके। आप बिफोर एंड आफ्टर देख पा रहे हो कि बहुत मस्त यहाँ पे एडिट हो गया। तो इस तरीके का टोन आप अपनी फोटो के अंदर डाल सकते हो। तो गाइस चलते हैं ब्राउजर की ओर। मान लीजिए हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ से हम स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे गाइस आपको टाइप करना है ARYADIDS, ठीक है, ARYADIDS, ठीक है। तो ARYADIDS आपको टाइप करके यहाँ से सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे आप हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइटरूम प्रीसेट मिलेंगे, एक दो नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लाइटरूम प्रीसेट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो डाउनलोड करना है वो आप इजीली कर सकते हो। इसके हमारे वेबसाइट की खास बात ये है कि इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा होता है, किसी भी प्रीसेट में आप इजीली प्रीसेट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हम वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये रहा रिच ब्लैक टोन लाइटरूम प्रीसेट, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं मिल पाता है यहाँ पे, हो सके कि ये और नीचे चला गया हो या फिर ना दिखता हो, तो आप यहाँ पे एक सर्च बटन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक सर्च करने के लिए बटन दिया गया है वेबसाइट के अंदर। तो सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रिच ब्लैक सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं RECH, ठीक है, रिच ब्लैक, सिर्फ आपको इतना लिख देना है, ठीक है। जो भी प्रीसेट आपको डाउनलोड करना है उस प्रीसेट का नाम आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे अगर इस नाम से कोई प्रीसेट होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला रिच ब्लैक वाला प्रीसेट है, तो ये यहाँ पे आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप हमारी मतलब ये वाला पोस्ट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो पोस्ट को ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा जो कि रेड कलर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक रेड कलर का डाउनलोड बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का, मतलब ये 10 सेकंड का एक काउंटडाउन होगा, आप लोग देख पा रहे हो 10, 9, 8, 7 ऐसा होगा एंड जैसे ये कंप्लीट होगा मतलब ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ड्राइव और गूगल क्रोम ये दो आपको मतलब आ जाएगा ऑप्शन कि आप किससे डाउनलोड करना चाहते हो। तो आप जिसमें कम्फर्टेबल हो ईजिली उसको सेलेक्ट करके अपने प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये ऑप्शन 2 आ जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा स्लो है तो मैं वेट कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पे गाइज अगर नहीं आ पाता है नेट, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है मेरा तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्लीज़ क्लिक हियर टू स्टार्ट इट मैनुअली, यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये प्रीसेट ऑटोमेटिक से ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइज कुछ इस तरीके का एक ऐड शो होगा, यहाँ से हम ऐड को क्लोज कर देते हैं एंड ये देख पा रहे हो कि ये प्रीसेट डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, डाउनलोड स्टार्ट हुआ एंड डाउनलोड ही हो गया, 1 MB का प्रीसेट है, रिच ब्लैक लाइटरूम प्रीसेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको प्रीसेट को डाउनलोड करना है एंड कैसे यूज़ करना है ये हमने आपको बता ही दिया। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का रिप्लाई करें या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।